हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम जो है कंटिन्यू करते हैं एरिया, क्या है इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एरिया चैप टॉपिक है एरिया। व्हाट इज एरिया? जैसे हम प्लेन में एरिया पढ़ते थे, जैसे हमने पढ़ा है एरिया किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, है ना, ट्राइंगल का, किसका एरिया पढ़ा है। ठीक ही सही है, एरिया डिफरेंट इफेज ऑफ एरिया बाउंडेड कर, बाउंडेड बाय सरफेस कर्व इज कॉल्ड टू द एरिया। एरिया फर्स्ट जैसे केस है डिफरेंट कैन बी एरिया बाउंडेड बाय अ फंक्शन, बिकॉज फर्स्ट केस है एरिया, एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व। एरिया बाउंडेड बाई कंटिन्यूस कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कंटिन्यूस कर्व क्या है? द एरिया बाउंडेड बाई ए कंटिन्यूस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स अक्षर, एरिया ऑफ द बाउंडेड बाई ए कर्व, एरिया ऑफ बाउंडेड बाई कंटिन्यूस कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स अक्षर एंड द ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू बी एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, वेयर बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये क्या है? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये है, ये कर्व है, एक्स इक्वल टू बी है, ये एक्स इक्वल टू ए है, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ए इक्वल टू बी, एरिया लगा ए इक्वल टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए इक्वल टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू बी ए टू बी वाई डी, ए इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी वाई डी एक्स, यानी किस किस के बीच है? द एरिया ऑफ बाउंडेड बाई कंटिन्यूस कर्व वाई इक्वल टू एक एफ एक्स है और एक्स एक्स है और ऑर्डिनेट कितने दे रखी है, एक्स इक्वल टू ए टू बी कर्व है, ये ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू वेयर बी इज ग्रेटर देन बी ए, तो एरिया क्या रहेगा? ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी एफ एक्स, एक्स ए इक्वल टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स ए टू बी वाई डी एक्स। सेकेंड केस क्या है इसका? सेकेंड केस क्या है? एरिया ऑफ द बाउंडेड बाई, एरिया बाउंडेड बाई द स्ट्रेट लाइन, एरिया बाउंडेड बाई द स्ट्रेट लाइन वाई एक्स इक्वल टू ए स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, बी इज ग्रेटर देन ए, एक्स इक्वल टू बी एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी
एंड द कर्व एंड द कर्व एंड द कर्व कर्व कौन कौन वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स प्रोवाइडेड एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स वेयर ए इज लेस देन एक्स क्यू बी उसके क्या जाएगा ये वाई इक्वल टू एफ एक्स दो फंक्शन है वाई इक्वल टू जी एक्स ए क्या है वाई इक्वल टू एफ एक्स दो फंक्शन है वाई इक्वल टू एक फंक्शन है वाई इक्वल टू जी एक्स एक फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए टू बी देन ये क्या जाएगा ए टू ए टू बी जी एक्स एफ एक्स डी एक्स ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स ए टू बी ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स द एरिया ऑफ बाउंडेड बाई स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू ए टू ऑर्डिनेट एंड द कर्व कौन कौन से पे वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स प्रोवाइड एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स देन इट मीन्स दैट यू विल बी द एरिया ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स ये इसका एरिया हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्या है टी पे क्या है वैन वैन टू कर इंटरसेक्ट वैन टू कर वाई एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वैन टू कर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटरसेक्ट वैन टू कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स आर इंटरसेक्ट इस तरह के कोई ये एक एक कर्व ये है एक कर्व क्या है ये
ये दो कर्व हैं, ये दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कौन कौन से? वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स इंटरसेक्ट, एक्स इक्वल टू ए इंटू बी है, ए इक्वल टू ए इंटू बी है। ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू ए टू बी जी एक्स डी एक्स, जी एक्स माइनस अलग अलग कर लिए एफ एक्स जी एक्स, ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, वेयर ए एंड बी आर ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, वेयर ए टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वेयर ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। मान लिया ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, वाई इक्वल टू जी एक्स है, ए क्या वाई इक्वल टू एफ एक्स है, ये दो कर्व है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए टू बी वेयर ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, वेयर ए एंड बी आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इस तरह का कर आ जाएगा। अब आगे क्या है, थर्ड है the curve cross the x-axis if the curve cross the x-axis crosses the x-axis If the curve crosses x and x, x axis at three points, if the curve crosses the x axis at C point, then area bounded the curve y, then area bounded by curve y equal to f x, then area bounded by curve y equal to f x and coordinates f equal to a b and coordinate x equal to a to x equal to b, where b is greater than a, इस तरह का ही। x इक्वल टू
देखिए आ गया एक्स इक्वल टू ठीक है गया एक्स इक्वल टू बी, ये आ गया एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन है इसका एरिया क्या जाएगा, ए जो बन रोड बाई द कर जे इक्वल टू, और ये सी पॉइंट पर यहां इंटरसेक्ट कर रहा है यहां y इक्वल टू ए सी एफ एक्स, वाई इक्वल टू ए टू सी, वाई इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस सी टू बी, एफ एक्स डी एक्स चूंकि ए टू सी, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन जीरो एंड देखो भाई इफ द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट द सी पॉइंट व्हेन द कर्व बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स बी, ये कोई कर्व है इस तरह का, ये कर्व है ये एक्स इक्वल टू ए टू बी वेयर बी इज ग्रेटर देन ए, तो क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू ए टू सी, वाई इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स माइनस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स वेयर ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन जीरो, ये इसका ये आ जाएगा एरिया, एरिया इसका ये एरिया आ जाएगा। नाउ अब एक और एरिया है, क्या एरिया नाउ द एरिया बाउंडेड बाई द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड द एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड वाई इक्वल टू जी एक्स इस तरह है वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड जी एक्स वेयर ए एक्स इज लेस देन एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी व्हेन दे इंटरसेक्ट एट व्हेन दे इंटरसेक्ट व्हेन व्हेन दे इंटरसेक्ट व्हेन दे इंटरसेक्ट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी, फिर क्या आ जाएगा ये देखो एक तो ये है एक ये है एक ये है एक
एक्स इक्वल वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक्स इक्वल टू ए है, यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया एक्स इक्वल टू बी है, ये एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी। टेन एरिया विल बी ए इक्वल टू ए टू सी ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड और डी एक्स, ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स का मोड। वी कैन से ए टू सी एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड प्लस सी टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स का मोड दिया, ये हो जाएगा क्या आएगा, ये ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ए टू सी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ एक्स माइनस जी या ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स का मोड, ये जो है इसका ये आ जाता है। ये जो है पांच कंडीशन बताई है जब उसकी जो है किसी चीज का एरिया हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आगे और क्या है सवाल, कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग व्हाट इज कर्व, अब किसी चीज का कर्व ट्रेसिंग के लिए द एप्रोक्सी टू फाइंड द एप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द कर्व फॉले वी हैव द डिफरेंट एजम्पशन या डिफरेंट ऑफ पॉइंट टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट कर्व दिस कार्ट कर्व ट्रेसिंग। जैसे सबसे पहले जो है किसी चीज की शेप निकालने के लिए कुछ हम एजम्पशन करते हैं, जैसे पहले क्या है सिमेट्री, पहले क्या है सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट एक्सल, पहले क्या है सिमेट्री, सिमेट्री सिमेट्री क्या होती है भैया, सिमेट्री अबाउट द एक्सल, सिमेट्री दो तरह की सिमेट्री है, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सल, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सल, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सल, इफ ऑल द पावर, इफ ऑल द पावर ऑफ वाई इज इवन, इफ ऑल द पावर ऑफ वाई इज इवन देन द सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सल, फॉर एग्जाम्पल इज y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एम, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सल, सिमेट्री सिमेट्री अबाउट y एक्सल, सिमेट्री अबाउट y एक्सल इफ ऑल द पावर ऑफ y इफ
ऑन द पावर ऑफ वाई इज इवन इफ ऑन द पावर ऑफ एक्स इफ ऑन द पावर ऑफ इफ इवन देन अगर इव इक्वल टू इट मीन्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई थर्ड सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सेस क्या सिमेट्री अबाउट सिमेट्री अबाउट बोथ एक्सेस इफ ऑल द पावर एक्स एंड वाई आर इवन देन कम यू कॉल्ड द बोथ वाई बोथ सिमेट्री बोथ अक्षर सिमेट्री ऑफ बोथ अक्षर हेंस इट विल बी द सिमेट्री एक्स अक्षर एंड वाई अक्षर इफ ऑल द पावर एक्स वाई आर इन द इवन इफ ऑल द पावर ऑफ एक्स एंड वाई आर इवन If all the power of x and y are even, then example क्या है x square plus y square a square it called to be the symmetry of x axis as well as y axis ये x axis की भी और y axis की भी क्या कहलाएगा symmetry कहलाएगा ठीक है देखो symmetry अगर about x axis कहलाना चाहिए जो पावर ऑफ वाई क्या है क्या है इवन होनी चाहिए वाई स्क्वायर फोर एक्स उल्टा इफ सिमेट्री ऑफ वाई एक्सेस है जैसे ये सिमेट्री ऑफ एक्स एक्स सिमेट्री ऑफ एक्स एक्स इस तरह की है ए है और सिमेट्री ऑफ वाई एक्स इट मीन्स ए है ये वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई इफ If both of the in both x and y are even, then it is called to the symmetry of both x. It means the circle. That is means circle. It means here. It means x square plus y square is equal to a square, where a is the radius. Where a is the radius. It means that x square plus y square is equal to x that is means that the it is symmetry on both axes x and y देखो symmetry है both axes के ठीक है सिमेट्री अबाउट द लाइन 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 क्या होती है सिमेट्री अबाउट द लाइन interchanging x and y if interchanging x and y the curve the equation of the
इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन सेम इफ इंटरचेंज एक्स एंड वाई. इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन सेम इफ द इफ इंटरचेंज एक्स एंड वाई इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन सेम देन we can say the curve is symmetric above the line. If interchange x and y equation of the curve remains same, then we can say that curve is symmetric above the line. Curve is, we can say curve is symmetry above the line y equal to x के symmetric कहलाएगी. जैसे example है x cube plus y cube is equal to 3xy. एक given equation है, इंटरचेंज कर दो. इंटरचेंज क्या कर दो, x टू y, x को y से इंटरचेंज कर दिएगा x को y से. तो वी हैव दैट y क्यूब प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू y इंटू x. इट मीन्स y क्यूब प्लस x क्यूब इज इक्वल टू 3xy. इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ इफ वी इंटरचेंज बिटवीन x टू y, that is no change on the equation. It is called to the curve of symmetry about the line of the y axis. Y is equal to x. For example, x cube plus y cube is equal to 3x. इसके बाद सिमेट्री निकाल लेंगे. सिमेट्री के बाद क्या निकालते हैं, अगला टॉपिक क्या होता है सिमेट्री. सबसे पहले क्या निकालते हैं, सिमेट्री. सबसे पहले क्या था, सिमेट्री. दूसरे में निकालते हैं, सबसे पहले सिमेट्री. सबसे पहले में क्या निकालते हैं, सिमेट्री. सबसे पहले में क्या निकालते हैं, सिमेट्री. नंबर दो में निकाल दे क्या, फाइंड द पॉइंट वेयर कर्व, फाइंड द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड find the point where curve crosses the x axis and y axis. वो पॉइंट निकालना जहां कर्व क्रॉस करता है x axis को and y axis को. नंबर तीन, find dy by dx एंड एग्जामिन. क्या एग्जामिन करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड एग्जामिन द वैन द फंक्शन एफ वैन वैन फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. Find dy by dx if dy dx in an angle examine when fx is increasing or decreasing. fx जो function है increase कर रहा है या decrease. Find the point where the curve is
क्रोसस द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक। तीसरा क्या है, पॉइंट डी वाई डी एक्स, और एग्जामिन करना है कि कब ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कब क्या गया है डिक्रीज हो रहा है। एंड थर्ड इज, फोर्थ इज, एग्जामिन व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और वाई टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एंड वाई टेंस टू इन्फिनिटी। इसका जो है हम जो है इसका वो निकाल लेंगे, व्हेन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और वाई टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे पहले सिमेट्री निकाल लेंगे, फिर पॉइंट निकाल लेंगे, हाँ क्रॉस कर रहा है एक्सिस को, फिर क्या डी वाई डी एक्स निकाल लेंगे, देख लेंगे कि इस पे जहाँ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या एग्जाम निकालेंगे एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और वे वेंट वाई टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है, देखो जैसे क्या है, एक क्वेश्चन है y इक्वल टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द रिंग सर्कल, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्मॉलर पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ द एरिया कट ऑफ बाय द लाइन ऑफ द बाय द लाइन एक्स इज इक्वल ए अपॉन रूट थ्री, फाइंड द एरिया ऑफ द देखो भाई एक जो सर्कल है एक ये लाइन है, क्या ये एक ये लाइन है, लाइन क्या है एक्स इक्वल टू ए रूट टू वाली है, ये तो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, वाई है, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, ए कोमा जीरो, इसके पॉइंट क्या आएगा ए अपॉन रूट टू इंटू जीरो, ये आ गया सर, ठीक है, क्या आ गया ये फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ये है, मतलब पी आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया, पी क्यू आर एस आ गया, ये जो स्मॉलेस्ट पॉइंट है, ये कौन सा है, ये जो शेडेड एरिया है निकालना है इसका, द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट बिटवीन द
एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट कितना है? एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना है? पी क्यू आर एस कितना है? पी क्यू आर एस, ए ऑफ स्मॉलर पार्ट कितना है? पी क्यू आर एस, इसका एरिया निकाल लेंगे। अभी क्या निकालेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे किससे? क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू क्या है? ए बाई रूट टू। एक्स इक्वल टू क्या है? ए बाई रूट टू। एक्स की वैल्यू यहां रख दूंगा, क्या रखना की वैल्यू? ए अपॉन रूट टू। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर अपॉन टू, क्या ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, इट मीन्स वाई इक्वल टू ए रूट टू, वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या आ गई? ए अपॉन रूट टू। अच्छा, एरिया ऑफ किसका? इसका एरिया निकालना पी क्यू आर एस। देखो जितना ही हिस्सा है ये, इतना ही हिस्सा ये है, ट्वाइस ऑफ एरिया पी क्यू आर। लेकिन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल टू जीरो टू टू इंटू एरिया पी क्यू आर, टू इंटू एरिया सी क्यू आर, टू इंटू एरिया इक्वल टू ए बाई रूट टू, टू इंटू एरिया क्या होगा? ए बाई रूट टू ए, क्योंकि ए टू ए बाई रूट टू, ए टू ए वाई, ए टू ए रूट टू वाई, इसका फंक्शन क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? जीरो टू ए, ए बाई टू ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा ये। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू का इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू का इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहां वैल्यू रख देंगे इसकी, क्या जाएगा ये? ये क्या आ गया? ये क्या गया? ये क्या गया? इक्वल टू, इक्वल टू क्या गया? एक्स इंटू एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसकी लिमिट आ गई कहां पे? कहां पे लिमिट आ गई इसकी? इसकी लिमिट आ गई ए बाई टू ए, क्या आ गई? ए बाई टू ए है, ए अपॉन रूट टू ए, ये है ना, ए अपॉन रूट टू अपॉन ए, ए अपॉन ए रूट टू अपॉन ए,
इसकी वैल्यू ए रख दूंगा मैं, तो क्या आएगा ए बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा जब ए रखूंगा तो क्या है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 आ जाएगा, और जब यह साइन इनवर्स ए बाई ए साइन इनवर्स एन 1 साइन इनवर्स एन की वैल्यू कितनी आती है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, और साइन इनवर्स 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। रखो भाई वैल्यू में क्या आ जाएगी, और क्या आ जाएगा ये क्या आ गई इसकी वैल्यू भैया, ए स्क्वायर बाई टू 5/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, ये आ गई ए स्क्वायर बाई टू 5/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, क्या आ गई ए स्क्वायर बाई टू 5/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया लाइंग अबाउट द एक्सेस, फाइंड द एरिया लाइंग अबाउट द एक्सेस एंड इंक्लूडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड पैराबोला वाई इक्वल टू 4x एंड पैराबोला वाई इक्वल टू एंड पैराबोला वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। फाइंड द एरिया लाइंग बिटवीन द एक्स एक्स एंड द एक्स एक्स के, यह कोई एक्सेस हो इसके एक ये है, एक सर्कल है, पहले पहले सर्किल बना दूंगा मैं, इससे पहले क्या हूं सर्किल बना लो, कैसा एक सर्किल बना लिया मैंने, ये कोई एक्सेस का एक सर्किल है, और फिर एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है इस तरह का, ये
और फिर जो है ये जहां ये टच कर रहा है ये एक्सेसिव है, ये वाई है, ये वाई एक्सेसिव है, और इसका क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एट वाई इक्वल टू फोर एक्स, ये क्या है वाई इक्वल टू फोर एक्स, 4,0 आ गया, ये आ गया, और क्या है जी 8x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, 8, जिसकी रेट इज 8 निकाल लेंगे, इसकी इक्वेशन है ये, क्या इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, इसकी है जो वाई इक्वल टू फोर एक्स इक्वेशन है, जो ये कितने आ गए 8,0 आ जाएंगे, 4,0 आ जाएगा, इसका एरिया निकालना है। अच्छा अब दोनों के जो ये इंटरसेक्शन दोनों पॉइंट हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दोनों है पैराबोला, इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x लिख लूंगा, क्या आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x माइनस 8x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन ले लूंगा, x माइनस 4, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, इफ x इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, वी हैव दैट x नॉट विल बी इक्वल देन x इक्वल टू 4, हैव x इक्वल टू इट इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 0 टू 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 0 टू 4, जो इसका रिक्वायर्ड एरिया है ये आ जाएगा, इसका रिक्वायर्ड एरिया ये वाला, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू 0 टू 4, 0 टू 4 ये क्या है पैराबोला, 0 टू 4 वाई डी एक्स पैराबोला, 0 टू 4 वाई वाई यानी पैराबोला, वाई पैराबोला डी एक्स प्लस 0 टू 4 वाई टू वाई, अब है 4 टू 8 सर्कल वाई डी एक्स सर्कल, 4 टू 8 वाई डी एक्स वाई सर्कल डी एक्स, वाई डी एक्स सर्कल, अच्छा और ये इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x, क्या दे रखी है इक्वेशन, ये दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0, इसके क्या बना लूंगा मैं, इसे इसे बना सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 8x, ये क्या आ गया एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर, अच्छा, ये सर्कल है, अगर ये सर्किल के है, ये मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्किल के चार हिस्से हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्किल ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सर्किल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है साइन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना बन भाई 4 ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्किल एरिया ऑफ ठीक है एरिया ऑफ सर्कल वन क्वाड्रेंट क्या देगा 1/4 पाई आर का स्क्वायर आर का मतलब 4 का स्क्वायर या 4 पाई एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई एरिया ऑफ द सर्कल कितना आ गया 4 पाई तो हैंस ये क्या आ गया यहां से क्या आ गया इक्वल टू ये क्या आ गया इक्वल टू 0 to 4 वाई डी एक्स वाई वाई की वैल्यू क्या था रूट टू एक्स डी एक्स प्लस इसका एरिया कितना आ जाएगा 0 to y सर्किल का एरिया प्लस के 4 पाई इक्वल टू इसका एरिया कितना जाएगा √2x क्या आएगा √2x यानी √x² / 2 क्या आएगा √2x² y = √x क्या आएगा √x y = √x इसका क्या जाएगा y = √x ये क्या आएगा 0 to 4 क्या आ गया 2 to 4 2x की पावर 3/2 / 3/2 0 to 4 प्लस 4 पाई 0 2 to 4 प्लस के 4 पाई अच्छा अब ये क्या देगा यहां से ये यहां से क्या देगा 2 4 by 3 x की पावर 4 की पावर 3 by 2 प्लस 4 पाई 4 और 3 by 2 में क्या देगा ये क्या आएगा 4/3 क्या आएगा यहाँ 4/3 ये क्या आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3/2 4 की पावर 3/2 यानी 2 की पावर 2 × 3/2 प्लस 4 पाई 2 से 2 जाएगा 4 × 2 की पावर 3 × 3 प्लस 4 पाई यानी 8 × 4 = 32 क्या गया 32/3 + 4 पाई आ गए ये इसका आंसर आ जाएगा इसका जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं तो दैट इज इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसको याद कर लेंगे जैसे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है जैसे कम स्टैंडर्ड रिजल्ट कम स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है एरिया बाउंडेड बाय पहले क्या है एरिया बाउंडेड बाय एरिया
बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स पाई, वेयर एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई है एंड एक्स एक्सर इज टू स्क्वायर यूनिट एंड एंड एक्स एक्सर इज टू स्क्वायर यूनिट वेयर एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू साइन एक्स वेयर जीरो टू एक्स टू पाई एंड एक्स एक्सर आर टू स्क्वायर यूनिट देन एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप, एरिया ऑफ वन लूप वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू कोस एक्स इज टू स्क्वायर यूनिट क्या है, एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू साइन एक्स वेयर एक्स की वैल्यू जीरो टू पाई हो एंड एक्स एक्सर इज टू स्क्वायर यूनिट आर वन ऑफ द लूप ऑफ द वाई स्क्वायर टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल टू कोस एक्स इज टू स्क्वायर यूनिट कितना हो गया, टू स्क्वायर यूनिट होगा, तो इसका ये आंसर होगा। अब अगेन दूसरा क्या है, एरिया बाउंडेड बाई एरिया बाउंडेड बाई एरिया बाउंडेड बाई वाई इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू लोग एक्स, y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो इफ एंड x इक्वल टू जीरो इज वन स्क्वायर यूनिट एंड x इक्वल टू जीरो टू वन स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज वन इफ पाई ए बी यूनिट, इफ पाई ए बी यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, पाई ए बी स्क्वायर बी इफ एरिया ऑफ द लीफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट एरिया बाई बाउंडेड, एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर बी वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो देन ए टू जीरो ए इक्वल टू जीरो टू बी टू रूट ए रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी इंटू डी एक्स माइनस सिक्सटीन अपॉन ए बी
थ्री स्क्वायर जीरो टू बी वेयर के इज 15 फॉर ए बी का स्क्वायर की पावर 1/3। ये क्या है देखो, इस ए रहा होता बाउंडेड वाई इक्वल टू साइन एक्स, वेयर एक्स की वैल्यू है एक्स दो स्क्वायर यूनिट, सो वन लूप का वाई इक्वल टू साइन एक्स एंड वन फोर एक्स दो का दो स्क्वायर यूनिट हो ए से रिजल्ट। दूसरा क्या है, ए रहा बाउंडेड वाई इक्वल टू दो एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या वन स्क्वायर यूनिट होगा। एरिया ऑफ द इलिप्स कितना होता है पाई ए बी, ये पता ही है। एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर ए एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर बी वाई, वेयर ए इज ग्रेटर देन टू जीरो एंड बी इज ग्रेटर देन टू जीरो, क्या आएगा जीरो टू के टू रूट ए एक्स डी एक्स टू रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर बी डी एक्स माइनस 15 अपॉन ए बी थ्री स्क्वायर यूनिट, वेयर के इज इक्वल टू 64 ए बी का स्क्वायर, 64 ए बी का स्क्वायर वेयर के इज इक्वल टू 64 ए बी का स्क्वायर की पावर 1/3, वेयर के इज इक्वल टू 64 ए बी का स्क्वायर की पावर 1/3। ये होता है अब आगे क्या है, बाउंड्री बाई कर्व बाउंड्री बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व, एरिया बाउंडेड बाई कर्व वाई इंटरसेक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, वाई एरिया बाउंडेड बाई ए कर्व वाई इंटरसेक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। कभी कभी जो इंटीग्रेशन है वाई का भी बहुत अच्छा रहता है, अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, कर्व अलोंग द वाई एक्सिस, कर्व अलोंग द वाई एक्सिस पॉइंट एफ सी का है, एफ सी का इज एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, एफ सी का क्या है एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी, इसका ये है ये स्ट्रिप है, मान लिया ये है, ये एफ सी का है वाई इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी। फोरियर स्ट्रिप है ये, प्लीज y इक्वल टू ए
एंड वाई इक्वल टू बी, ये थोड़ी सी स्टीप है डी वाई, ये थोड़ी सी स्टीप है डी वाई, तो इसका एरिया क्या जाएगा, कितना जाएगा, एरिया टू एमसी का वाई इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए टू बी एक्स डी वाई। कभी कभी इसका इंटीग्रेशन और सोल्व करने में आसानी रहती है, ये वी के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं, बस इजी रहता है। तो इस तरह जो है ये भी होता है ए इक्वल टू ठीक है भाई, इस तरह यानी कि हम जो है एक्स एक्सेस के भी निकाल सकते हैं लोगों में और वाई एक्सेस के भी हम निकाल सकते हैं। तो इसका इसके एक्स वाई एक्सेस के आगे ए टू बी एक्स डी वाई, अगर एफ सी का एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, इस तरह हम निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, कल मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है।